समाप्ति कम थी कि एक बुलेट से ही उनकी समाप्ति देखने को मिली, बट चलिए उसको वापस से हम बताएंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ तो गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स जो आए थे थर्ड पार्टी करने, उनको सक्सेसफुली उनको वो फ्रैग भी मिलता नजर, लेकिन तुरंत ही उनके ऊपर भी धावा बोल दिया जाएगा टीम एक्सपाक के द्वारा। फिलहाल के लिए इतना मैं जरूर कहूंगा, बेशक WSB एलिमिनेट हुई है, लेकिन अच्छे खासे अंक तो देखिए उनके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो मुझे लग रहा है उनको ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। चिंता अगर रहेगी तो टीम वेंटकॉर्ड को, जिनको अभी के लिए अपने आप को टॉप 16 पे रखने की वो बड़ी चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ से टीम एक्सपाक वो एक तरीके से गॉडलाइक को बैकफुट पर देखने की कोशिश कर रही है। यहाँ से लगता है कि टीम एक्सपा के पास पूरा मौका है, दो फिनिशेस उन्होंने ऑलरेडी निकाली और बचे प्लेयर्स को भी समाप्त कर सकते हैं। जॉनथन ऐसे में वो एक अलग दिशा में निकल चुके हैं, टीम गॉडलाइक बहुत ज्यादा बिखर चुकी है, बट जॉनथन ने यहाँ पे स्प्रेगॉड को डाउन किया। अब शैडो बहुत निकल आ चुके हैं जॉनथन को डाउन करने की कोशिश, क्या गाड़ी से गिरते नहीं क्या शैडो? जॉनथन इसका फायदा उठाते हैं, बट उससे पहले निंजा आ गया और निंजा ने नाइफ के साथ सब। अगर विंडगॉड और TXC फाइट कुछ ऐसे ओपन लाखों पे होती है, टीम गॉडलाइक के पास एक बहुत बड़ा मौका रहेगा। टीम एक्सपाक उन्होंने खिलाड़ी सवितार को डाउन किया, बैकबोन विंडगॉड की तोड़ी जरूर से है, बट टीम एक्सपाक के भी खिलाड़ी आईजल साहब शैडो वो डाउन है। निंजा जॉट कंधों में भार काफी ज्यादा, निंजा जॉट के पास वो SLK है जरूर, SLK का फटका निकालना पड़ेगा, करेक्शन ढूंढना पड़ेगा। क्या खिलाड़ी ऊपर आने के लिए तैयार हैं? बिकॉज अगर आप निंजा की बात करें तो उनके पास मौके काफी थे, सारंग के द्वारा एक कनेक्शन आया था देखा आपको, HP काफी कम बदलने की कोशिश की जाएगी पोजिशन, निंजा जॉट वो नीचे आएंगे एक और कनेक्शन ढूंढ के जाएंगे। टीम एक्सपाक इस पूरी बैटल को अपना बनाती हुई, बस एक दिक्कत है कि शैडो अब तक नॉकआउट है, उनका रिवाइवल हो जाए तो फायदा, बट चलिए अब तो रेक्स वो एक आखिरी खिलाड़ी बचता देखेंगे आपको टीम विंडगॉड से। जी हाँ, निंजा जॉट की अगर आप बात करें तो फिर ढूंढना चाहेंगे, बट फिलहाल के लिए तीन फिनिशेस यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन टीम एक्सपाक, फिर से एक और प्राइस पूल का एक सेगमेंट रहता है, आप प्राइस पूल के लिए खेलिए, आप और बेहतर बनने के लिए खेलिए, और टीम एक्सपाक वो चीज कर रही है जो चीज कही थी कि टीम गॉडलाइक के साथ एक क्लैश हो सकता है, क्लैश तो नहीं हुआ ना, वो थर्ड पार्टी हुई, टीम गॉडलाइक बकायदा फाइट लेने के लिए आई, और यहाँ पर स्प्रेगॉड आगे बढ़ते एक और कनेक्शन ढूंढना चाहेंगे जरूर, बट जेली वो नहीं देंगे मौका, एक बढ़िया नॉकआउट उनके द्वारा आता हुआ। टीम एक्सपाक और टीम गॉडलाइक वो दोनों ही टीमें स्ट्रगल करती, बट सारंग क्या वो रिवाइवल देने में फोकस करेंगे या फिर कनेक्शन सारंग ने वो पहला कनेक्शन उड़ा, इज गोइंग फॉर द सेकंड वन, सारंग समाप्त करते देखिए कि टीम गॉडलाइक